सुंदरबनी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से एक व्यक्ति से लूट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दौलतराम निवासी सलियोट सुंदरबनी बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाने पहुंचा, तो बैंक कर्मियों ने उनको पैसे मशीन में डालने को कहा। जब वह मशीन के पास पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति पहले से मशीन चला रहा था। उससे मदद मांगी तो उसने 60,000 की रसीद दी और जब 40,000 रुपए जमा किए तो दौलतराम को बोला कि नोट जाली है, आप बैंक मैनेजर को दिखाओ। जब दौलतराम बैंक में नोट दिखाने गए तो वह व्यक्ति पीछे से पैसे लेकर फरार हो गया। इस मामले की शिकायत सुंदरबनी पुलिस थाने में दर्ज कर दी गई है। मैं यानी कि मेरे जो ब्रदर हैं, ये 1 लाख रुपया लेके जमा करने के लिए बैंक में गए थे, तो बैंक वालों ने बोला कि हमने एक मशीन जो कि हमने गेट के पास ही प्लेस की हुई है, उसमें आप कैश जमा कर सकते हो, हम अंदर कैश नहीं जमा करते। उसी दौरान क्या होता है, जो मेरे ये भाई हैं, ये पैसे लेके बाहर जाते हैं और इनको मशीन हैंडलिंग का पता नहीं था। वहाँ पे एक अननोन अजनबी आदमी जो कि उस मशीन को इससे पहले वो हैंडलिंग कर रहा था, इन्होंने उस आदमी से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो इस पैसे को जमा करने के लिए। उसने बोला मैं मशीन के बारे में भलीभांति जानता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसी दौरान ये क्या करते हैं कि पहले उनको पैसे पकड़ाते हैं, 20,000 रुपया मशीन में डालते हैं जिसकी पर्ची निकल। सर जब ये तीसरी बार ट्रांजेक्शन 40,000 रुपया मशीन में डालते हैं लेकिन मशीन 3200 रुपया बाहर निकाल देती है, तो ये उसको सीधे करके फिर डालते हैं लेकिन फिर बाहर निकाल देती है। और वो जो लड़का इनकी हेल्प कर रहा था वो बोलता है कि ये हो सकता है डुप्लीकेट नोट हो और आप जाके अंदर बैंक में चेक करा दो। ये उन नोटों को लेके बैंक के अंदर चले जाते हैं। उसी दौरान जो पीछे वो लड़का क्या करता है कि कैंसिल का ऑप्शन दबा के और वो मशीन से नोट निकाल के और वहाँ से फरार हो जाता है। जब तक ये वापस आते हैं तो उस लड़के के जो फोटो है CCTV में हमने ये लिए हुए हैं सर, फोटोज़ भी उसके, और वो लड़का क्या करता है कि वो पैसे निकाल के वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे वो मौजूद नहीं होता जब ये बैंक से वापस आते हैं। सर आपने कोई रिटर्न में इसकी कंप्लेन लिखवाई हुई है? सर इसकी जो एक एप्लीकेशन दरख्वास्त है हमने जो बैंक मैनेजर के नाम से जैसे कि आपके सामने है ये भी दी हुई है और इसी की पुलिस स्टेशन के अंदर भी ये वाली जो एप्लीकेशन है हमने कंप्लेन ऑलरेडी लिख के दिया हुआ। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे थे पुलिस को एप्लीकेशन, उन्होंने बैंक मैनेजर का नंबर हमारे से मंगवाया और बैंक मैनेजर से उन्होंने खुद फोन पे भी बात की। बाकी अभी हम दोबारा जा रहे हैं पुलिस को उनके जो फोटोज हैं वो देने के लिए सर।